हो जाती है। क्यों? क्योंकि दिमाग उस टाइम ज्यादा ऑब्जर्व करता है अपना। तो 4 बजे 6 बजे कोई नहीं है सुबह जल्दी उठना, कोई किसी ने ग्रंथों में नहीं लिखा है कि सुबह जल्दी उठ के ही पढ़ो। जब आपका मन करे ना उस टाइम पढ़ो, क्योंकि जब मन करता है ना उस टाइम ऑप्टिमम चीजें अपन ऑब्जर्व करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें ऑब्जर्व करते हैं। पहली चीज तो अपने गोल्स क्लियर रखो, दूसरी चीज क्यों करना है कैसे करना है वो सारी चीजें, तीसरी चीज त्याग आपको करना पड़ेगा, एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सारा आपका जो है शेड्यूल उसको काट के 4 घंटे आप डेली पढ़ो। पर्सनल वीडियो लाऊंगा जिसमें प्राइवेट और सरकारी सारी जॉबों के बारे में बताऊंगा कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर कितनी जॉबें हैं। अब सुन लो, ये तो बात हो गई इन मोटी मोटी जॉबों के बारे में। अभी डब्ल्यू के फॉर्म चल रहे हैं, जिसने फॉर्म नहीं भरा है भर देना बेटा, रनिंग में जिनकी डिग्री है। अब और भी बात कर लेता हूं मैं इसके अलावा भी, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी बच्चे भी हैं अपने पास, है ना, बहुत ही सारे ज्ञानी बच्चे हैं जिसको मतलब ये लगता है कि कुछ भी नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर। अब सुनो, अब जो बेरोजगारी बताते हैं ना वो बच्चे कहाँ से आए ये देखना। एक बच्चा है जिसने 12वीं पास की है एग्रीकल्चर से, ठीक है, इसके 12वीं, तो इसने दिया एंट्रेंस पेपर। क्या दिया बेटा? एक प्रवेश परीक्षा दी इसने। क्या दी? प्रवेश परीक्षा। और इस प्रवेश परीक्षा किसके लिए दी इसने? यूजी कोर्सेज के लिए। यूजी कोर्सेज कौन था बेटा? बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए, हॉनर्स की डिग्री के लिए इसने परीक्षा दी। अब ये बच्चा हो सकता है यूपी का हो, राजस्थान का हो, एमपी का हो, तो हो सकता है इसने सेंटर का आईसीआर का पेपर दिया, हो सकता है कॉमन एंट्रेंस जो होता है सीयूईटी दिया हो सकता है एमपी का है तो एमपी पीएड दिया हो सकता है राजस्थान का है तो जेईटी दिया हो, पर दिया इसने एक एंट्रेंस पेपर। और उस एंट्रेंस पेपर में क्या आता है, क्योंकि 12वीं के पास दिया है तो 12वीं के बाद इसमें क्या आता है? 11th+12th आती है बेटा। क्या आती है? 11th और 12th। अब सोचो, इस बच्चे ने अच्छा खासा स्कोर कर लिया इसमें, और उसको क्या मिल गई? अच्छा सा एक सरकारी कॉलेज मिल गया। क्या मिल गया? सरकारी कॉलेज। अब देखना बेरोजगारी कहां पैदा होती है। हर चीज मतलब जो बच्चा गॉड गिफ्टेड है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसको तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, वो तो कैसे भी कर लेगा। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, मेरे जैसे की 50 से 65 के बीच में, जिस बच्चे की 50 से 65 के बीच में परसेंटेज रहती है उस बच्चे को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज किसी और पे पर्सनल मत लेना इस चीज को, है ना। तो उसने क्या किया, ये जो परीक्षा दी बेटा यूजी की, उसमें उसने क्या किया, 11वीं 12वीं अच्छे से पढ़ी थी, थोड़ी बहुत तैयारी की, उसका क्लियर था, तो उसने क्या किया, अच्छा स्कोर किया। क्या किया? अच्छा स्कोर किया, उसको अच्छा ठीक ठाक सा सरकारी कॉलेज मिल गया। हो सकता है वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है वो यूनिवर्सिटी हो सकता है वो एफिलेटेड कैंपस हो, बट सरकारी कॉलेज उसको मिल गया। अब सरकारी तो सरकारी ठहरा, सरकारी तो सरकारी ठहरा। अब अभी के जो सरकारी कॉलेजेस है ना, जो नए खुले हैं उनमें फैकल्टी नहीं है, वो नहीं है, पर कभी तो होगी उनमें, कुछ तो सीखेगा, और नहीं तो धरना देना ही सीखेगा। भाई उनमें फैकल्टी नहीं है तो संघर्ष करेगा तो कुछ तो सीखेगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो रेस्पेक्टेड कॉलेजेस है उनकी बात कर रहा हूँ बेटा। अब ये सरकारी कॉलेज में गया, यहाँ पे इसके साथ 60 बच्चे बैठ रहे हैं, इसके बीच में 60 के 60 इसी प्रोसेस से आए, मतलब कहीं ना कहीं उनका 60 के 60 बच्चों का 11वीं और 12वीं क्लियर था। वो अच्छा पढ़े थे, अच्छा कब पढ़े थे? जब अच्छे एनवायरमेंट में रहे थे, अच्छे सपने उन्होंने देखे थे, उनके सपने बड़े थे तब, क्लियर। अब यहाँ से 60 के 60 बच्चों में बैठ रहा है, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, कोई का क्या सपना है, कोई का क्या सपना है, अलग अलग बच्चों के साथ बैठेगा, बहुत सारी चीजें सीखेगा। फिर भाई साहब आया अब आगे पढ़ाने आपको प्रोफेसर या कोई भी अच्छे टीचर, हो सकता है वो इंग्लिश पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, आपके समझ में नहीं आ रहा, वो बाद की बात है। पढ़ना हमेशा खुद को ही पड़ता है, मेहनत खुद को ही करना पड़ता है। अच्छा जो मेंटर होता है ना, मेंटर लीडर अगर अच्छा मिल जाए ना, तो कमजोर घोड़ा भी जीत जाता है रेस में, क्लियर है ना। दौड़ना घोड़े को ही है, पर दौड़ाने वाला जो घुड़सवार है ना वो मैटर करता है। तो यहाँ पे जो सरकारी असिस्टेंट ऑफिसर जो लगे हैं, प्रोफेसर जो लगे हैं, एपी जो लगे हुए हैं, वो ऐसे तो है नहीं गधे बेच के आए हैं, कुछ पढ़े थे, कुछ काबिलियत थी तभी आए ना। तो ये अच्छा पढ़ा नहीं पाएंगे, पर अच्छा गाइड तो कर पाएंगे आपको। तो यहीं से शुरुआत हुई, इन 4 साल में उसको अच्छा गाइडेंस मिला, अच्छे यार दोस्त, अच्छे माहौल मिला, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे मेंटर्स मिले, और उसने 4 साल में कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ लिया। अच्छा नहीं भी पढ़ा तो खुद के ऊपर काम किया, कुछ अच्छा बन गया, प्राइवेट कंपनी में चला गया। प्राइवेट में नहीं गया, थोड़ा सा सीरियस था, प्रोफेसरों की अंगुली करता रहा, पूछता रहा, पढ़ता रहा, और वो उसकी बीएससी अच्छे से क्लियर हो गई। डिग्री का भी कोई रोड़ा नहीं है, मान्यता प्राप्त कॉलेज से हो गई, ठीक है, उसके बेसिक्स सारे क्लियर थे 4 साल के। अब आई भाई साहब पोस्ट है, उसने लगा दिया फॉरम। क्या करिया? फॉरम अप्लाई किया। फॉरम अप्लाई करते ही उसने थोड़ी बहुत खुद की मेहनत की, थोड़ा बहुत पहले का पढ़ा हुआ था, और वही बात मैंने बताई, जो क्या यही तो सब्जेक्ट आ रहे थे, यही तो सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं फर्स्ट से सिक्स सेमेस्टर तक नौकरी में, और ये सारे उसके क्लियर थे, उसके सारे क्लियर थे, थोड़ा बहुत उसने पढ़ लिया, फॉरम लगाया, और वो लग गया नौकरी, वो लग गया क्या इधर नौकरी लग गया।
अब ये कभी कहेगा कि इस बीएससी एग्रीकल्चर में बेरोजगारी है? नहीं कहेगा। अब कौन कहेगा वो देख लो। ये था मेरा साथी, विकास नाम है इसका, मैं ही हूं सपोज देट, ठीक है। ये भाई साहब 11वीं प्लस 12वीं दोनों में उचक्के मारे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं आता। यहाँ पे आता तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, पर खुद एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा कि मुझे कुछ नहीं आता। अरे ज्ञानी हूं मैं, वो सब ऐसे ही लपोड़ आदमी है, ठीक है। आगे देखो, 11वीं 12वीं के बाद एंट्रेंस का फॉर्म भरा भाई मैंने प्रवेश परीक्षा के लिए, ठीक है। एक साल में मेरा नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट दिया मैंने, दूसरी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, घर वालों के 50,000 लगा दिए कोचिंग के, 50,000 लगा दिए रहने के, फिर भी मेरे नंबर आए 120, नहीं हुआ सेकंड साल में भी, कोई बात नहीं। तीसरी बार फिर तैयारी करी, फिर भी नहीं हुआ, फिर नंबर आए 140 भाई साहब के। और पढ़ना क्या था, तीन साल वही जो 11वीं 12वीं में पढ़ के आया, वही तो आता है एंट्रेंस एग्जाम में, फिर भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बात रखने के लिए क्या करा, या तो प्राइवेट एफिलेटेड में या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में, जो जिनके इंस्टाग्राम पे एड चलते हैं, लोग कहते हैं मैं करवा दूंगा एडमिशन, वहां जाके एडमिशन ले लिया, वहां ले लिया, वहां पे 120 बच्चे थे भाई साहब, प्राइवेट वालों को पैसे कमाना, गलत मत लेना, मैं समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीजें समझना एक बार। वहां पे थे 120 बच्चे, ठीक है, 120 के 120 ही मेरे जैसे, उनमें दो चार अच्छे बच्चे थे जो नौकरी लग जाएंगे, वो तो चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो चाहे घरों, वो लग जाएंगे क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेरे जैसे और आप जैसे, मतलब एवरेज स्टूडेंट की, जो जिसको कुछ नहीं आता, ज्ञान ही आता है बस और कुछ नहीं आता। अब भाई साहब 120 बच्चे ऐसे कैसे, यहाँ पे चार साल रहा इसी माहौल में चार साल रहा ना इन्हीं बच्चों के साथ, तो वो और भी लो लेवल हो गया उसको, जो 11वीं 12वीं में उसको बोटनिकल नेम आते थे ना, वो भी वो भूल गया, और भी लो लेवल हो गया। और यहाँ पे जो प्रोफेसर आ रहे थे वो भी मेरे जैसे ही, बहुत ज्यादा ज्ञानी, या उनको इतना मतलब नहीं है, सैलरी आ जाती है, कोई उसको पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। तो इसका चार साल बाद में ऐसी हालत हो गई, ना तो इससे एमएससी का पेपर निकल रहा है अच्छी कॉलेज में, JRF कुछ भी, ठीक है, ना इनसे कोई नौकरी लगी जा रही है, ना फिर जो वो 12वीं पास वाली नौकरी थी, जो 12वीं पास वाली जो 5% नौकरी थी, वो भी नहीं निकल रही इनसे। क्यों? क्योंकि चार साल में इतने मजे मार लिए, ऐसे माहौल में रह लिए कि वो नॉलेज भी खत्म हो गया। अब ये बच्चा ना तो एमएससी कर पा रहा, एमएससी के लिए भी एक ही ऑप्शन है, या तो ऐसी कॉलेज, अब ये प्राइवेट कॉलेज में ऐसी कॉलेजें हैं बहुत सारी, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बच्चों को ग्रुप में जोड़ देती है और पेपर देने बुलाती है, भाई ऐसी डिग्री नहीं है ये डिस्टेंस पे करने वाली, बहुत अच्छी डिग्री है, इसको रेगुलर करो सीखो, ठीक है। कुछ ऐसी कॉलेज हैं बुला लिया, टीचर कुछ नहीं, उन कॉलेजों की बात कर रहा हूँ। कुछ प्राइवेट कॉलेज अच्छी भी हैं, जैसे LPU है, अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, 2 लाख रुपए फीस है, पर मैं बात कर रहा हूँ एवरेज कॉलेजों की, मैक्सिमम जो चीजें है ना अपने एग्रीकल्चर फील्ड में जो गंदगी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब भाई साहब ना तो इस 12वीं के लाइक रहे ना इसके लाइक, अब क्या करे, घर बैठे बैठे कोई प्राइवेट फर्जी कॉलेज में एमएससी में एडमिशन ले लिया, 2 साल फिर उसका लेवल इतना नीचे हो गया कि उसको कुछ नहीं आता, पैसे लगा के आ गया। अब जब 11वीं 12वीं 2 साल तैयारी, 4 साल बीएससी, 2 साल एमएससी, 8-10 साल उसको हो गई घर से दूर, उसका कुछ नहीं हुआ, तब उसके पास प्रेशर आता है शादी का, परिवार का, समाज का, दोस्तों का, फिर वो कुछ नहीं करता, फिर वो कहीं का नहीं रहता, फिर वो ना तो प्राइवेट लाइक खुद को समझता, ना सरकारी लाइक खुद को समझता, फिर वो क्या हो जाता है, राजा बाबू हो जाते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं। तो इससे अच्छा है, कहीं ना कहीं मैं चीजें कह रहा हूँ, अब्दुल कलाम सर ने भी कही थी कि मेरे को आप एक लड़का बता दो और उसकी मित्र मंडली मेरे को बता दो, उसका फ्रेंड सर्किल की कहाँ बैठता है, किसके साथ रहता है, मैं उसका भविष्य बता दूंगा। रंग ना तो बरण तो आवच है, आ चीज तो जानो दे, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो जैसे माहौल में रहते हो ना, कितना ही पक्का आदमी हो, धीरे धीरे उसको इफेक्ट करता है वो इनडायरेक्ट रूप से, और ऐसे नहीं करेगा तो उसको फिजिकली मेंटली उसको उसकी सोच छोटी हो जाएगी, उसको सपने ऐसे देखने लग जाएगा, तो वो इफेक्ट करता है, उस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं मैं समझा रहा हूँ, बेस्ट करियर ऑप्शन तभी आएंगे जब आप 11वीं 12वीं से अच्छा करके जा रहे हैं, कोई बात नहीं ये अच्छा नहीं किया, फिर भी आपको क्या, आप त्याग करो चीजों का, जो कम्फर्ट जोन की चीजें, आराम की चीजें हैं, जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही है उनको सीधा सा कहो ना, भाई वहां चल रहा है क्या, भाई नहीं जाऊंगा, पेपर है पढ़ूंगा, बस 2 मिनट की नाराजगी, ना कहना सीखो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, मेहनत करो दबा के, फिर कहना नौकरी नहीं लगेगी। तो भाई एग्रीकल्चर में बहुत सारे करियर ऑप्शन है, और मैंने बताया कि कैसे आप करियर बनाओगे, ऐसे बनेगा करियर, तो ये चीजें आप करो, ऐसे करियर बनेगा आपका। जिसने वीडियो एंड तक देखा है तो वो कमेंट में अपना एक प्यारा सा कुछ भी कमेंट कर देना, जय श्री राम लिख देना, मैं समझूंगा कि वो मेरी बातों से एग्री है, ठीक है। और नौकरियां खूब है, पढ़ते ही नहीं है, बिना पढ़े नौकरी चाहिए तो ऐसा होगा नहीं भाई, तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, त्याग आपको करना पड़ेगा, तो चीजें मैटर करती है कहीं ना कहीं। उम्मीद करता हूँ चीजें आपके समझ में आई होगी बहुत अच्छे से,
और अब इतना क्लियर होगा मेरे को क्या करना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, कैसे पढ़ना है। आई होप अच्छे से आप नौकरी लगो, बड़े सपने देखो यार, सच होंगे आज नहीं तो कल सच होंगे। और पढ़ाई में दिया गया समय कभी खराब नहीं जाता, पढ़ाई में दिया गया समय और जमीन में लगाया पैसा कभी भी नुकसान नहीं देखे जाता बेटा, अगर नीयत साफ है आपकी। तो बच्चे से मेहनत करो, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लो, परमपिता परमेश्वर को याद रखो, सही मार्ग पे चलो और काम करते जाओ, रिटर्न आपको मिलेगा बेटा। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा वो आएगा आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर, जितनी भी जॉब्स हैं इंक्लूडेड प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों, प्लस खुद का क्या इनोवेटिव आप स्टार्टअप कर सकते हो उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर अच्छा लगा और मेरी बात से एग्री हो। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।